मैं हूं अक्षय चव्हाण और आज हम जानेंगे पालनपुर रियासत की कहानी। पालनपुर गुजरात के सबसे महत्वपूर्ण रियासतों में से एक थी। पालनपुर के महत्व का कारण ये है कि इवन दो यहाँ के जो नवाब थे वो लोहानी पठान नवाब थे, पर पालनपुर की जो डोमिनेंट कम्युनिटी थी वो यहाँ की पालनपुरी जैन कम्युनिटी थी, जो आज ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे दुनिया का डायमंड ट्रेड कंट्रोल करती है। और इतिहास में हमें ये देखने को मिलता है कि जो लोहानी नवाब है, लोहानी पठान नवाब और यहाँ के जो पालनपुरी जैन मर्चेंट्स, उनका हमेशा ऑलमोस्ट 600 साल तक अच्छा संबंध रहा और एक हिंदू मुस्लिम एकता का हमें अच्छा उदाहरण पालनपुर में देखने को मिलता है। पालनपुर का इतिहास समझने के लिए हमें उसका जियोग्राफिकल लोकेशन समझना बहुत ज़रूरी है। पालनपुर उत्तर गुजरात में स्थित है। यहाँ पर इतनी फर्टाइल ज़मीन नहीं है जैसे कि जो ईस्टर्न गुजरात और सूरत का जो बेल्ट है उसकी तरह, पर ये जो इलाका है वो इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट पे स्थित है, जो गुजरात के बंदरगाहों से ऊपर राजस्थान और फिर आगे दिल्ली तक जो ट्रेड रूट्स जाते थे वो यहीं से जाते थे, और जो गुजरात से सिंध जो जाते थे वो यहीं से, यू नो, अहिल्यावाड़ पाटन हो या जो राधनपुर का शहर हो, वहीं से एक ऐसा टर्न लिया जाता था सिंध की तरफ। तो इस कारणवश पालनपुर ट्रेड और कॉमर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। पालनपुर जो है वो अहिल्यावाड़ पाटन के पास स्थित है, और अहिल्यावाड़ पाटन जैसे आप जानते हैं कि जो गुजरात के जो चालुक्य राजा थे उसकी राजधानी थी। यहाँ पर रानी की वाव है, फिर जो मोधेरा का सन टेंपल है, तो उसी समय से यहाँ पर एक वाइब्रेंट जो जैन कम्युनिटी है वो यहाँ पर उस समय से ही बसी हुई थी, यू नो, मिडिवल, अर्ली मिडिवल पीरियड से। और जैसे हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ पर ट्रेड रूट्स होते हैं वहाँ पर ये जैन मर्चेंट्स जाके बसते थे, तो इसी तरह से यहाँ पर एक अराउंड 13वीं शताब्दी में एक जैन कम्युनिटी, यहाँ पर एक थ्राइविंग जैन कम्युनिटी थी। और जैन मान्यता के अनुसार यहाँ पर प्रह्लाद देव करके एक शासक थे, और उन्हीं के नाम से इस जो रीजन का नाम और इस गांव का नाम प्रह्लादनपुरी, जो आगे चल के पालनपुर ऐसे पड़ा। ये 1218 साल की बात है। और एक थ्योरी ये है कि आगे 14वीं शताब्दी में जो पालनसी चौहान करके एक चौहान समूह, राजपूत चौहान एक समुदाय था जो राजस्थान से यहाँ आकर बस गया, और उन्हीं के नाम से इस गांव का नाम पालनपुर बना। तो ये अलग ऑब्वियसली कंपीटिंग थ्योरीज है, पर पालनपुर का जो नवाबी ख़ानदान है, यहाँ के जो लोहानी नवाब्स थे, उनकी कहानी शुरू होती है अराउंड 1370 में, जब अब ये दिल्ली सल्तनत का वक्त था और मलिक यूसुफ करके एक अफगान बिहार में आकर बस गए थे। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि, यू नो, उस समय जब दिल्ली सल्तनत का राज उत्तर हिंदुस्तान में शुरू हुआ था, तो उन्होंने काफ़ी जो ये जो अफगान है, जो अभी अफगानिस्तान की तो टेरिटरी इतनी रिच और फर्टाइल नहीं है, तो उनको अफगानिस्तान से बुलाकर फिर जो बिहार है वहाँ पर सेटल किया था। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल जो बख्तियार खिलजी है, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय की थी, वो भी ऐसे ही एक अफगान सेटल्ड इन बिहार थे। फिर शेरशाह सूरी, जो बाद में जिन्होंने हुमायूं को गद्दी से, दिल्ली की गद्दी से हटाया और अपना राज स्थापन किया, वो भी एक अफगान सेटल्ड इन बिहार थे। तो ऐसे ये मलिक यूसुफ भी इसी तरह से सेटलमेंट के लिए बिहार में आए। फिर अलग थ्योरीज हैं कि कुछ कहते हैं कि जो मंडोर के जो राजा थे, अब हमें समझना पड़ेगा कि उस समय जोधपुर नहीं था, और मंडोर वॉज द ओल्ड कैपिटल ऑफ द राठौड़, और वो ये जो मारवाड़ है वो पूरा मंडोर से रूल होता था, और अभी तो एक इट्स अ स्मॉल सबर्ब ऑफ जोधपुर। तो उसके राजा ने इन्हें बुलाया, या और एक दूसरी थ्योरी है कि वो खुद अपना फॉर्चून सीक करने के लिए राजस्थान में आए, और फिर राजस्थान के जो जालौर हैं वहाँ पर उन्होंने अपना राज्य स्थापन किया। अगेन जो जालौर जो है वो राजस्थान और गुजरात के बिल्कुल बीच में था, तो
ऑब्वियसली जो रास्ता जो जाता था, ट्रेड, कैरावान, इवन जो आर्मीज जो पास होती थी वो इसी रास्ते से होती थी। तो उस तरह उन्होंने जालौर पर अपना एक स्ट्रॉन्ग राज्य बनाया। आगे चल के दिल्ली सल्तनत के समय भी वो जो सुल्तान है दिल्ली के, उन्हें ट्रिब्यूट देने लगे। फिर बाद में उसके बाद जब दिल्ली सल्तनत टूट गई अराउंड 14वीं शताब्दी में और 14वीं-15वीं शताब्दी में, और गुजरात की सल्तनत आई जो चंपानेर, पावागढ़ और फिर अहमदाबाद से जिन्होंने राज किया, तो उन्हें वो ट्रिब्यूट दिया करते थे और इस तरह वो अपना राज जालौर से चलाते रहे। तो इस तरह से 300 सालों तक जो यहाँ के जो लोहानी नवाब है वो राज करते गए। जो इनफैक्ट सुल्तान ऑफ गुजरात है उसके बाद मुग़लों का राज आया, बादशाह अकबर ने चित्तौड़ को कैप्चर किया, बाद में राजस्थान पर अपना कंट्रोल जमाया, गुजरात पर अपना कंट्रोल किया। जो लोहानी नवाब है उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम फिर मुग़लों को ट्रिब्यूट देंगे। हमें ये भी रेफरेंस मिलता है कि बादशाह अकबर के और जो जालौर के नवाब है उनके बहुत अच्छे संबंध थे एंड ऑल। तो इस तरह से शासन चलता रहा। अराउंड 1688 में हमें ये रेफरेंस मिलता है कि जो जालौर के जो लोहानी नवाब खानदान थे उनके एक रिलेटिव फिरोज कमल खान, उन्होंने फिर यहाँ पर पालनपुर में आकर अपना एक स्वतंत्र जो राज्य है उसकी स्थापना की। और यहाँ पर फिर उनके आगे चल के उनके यहाँ पे एक कोर्ट बनवाया और किला बनवाया, एक फिर आगे चल के एक दरबार गढ़ बना, और फिर इस तरह से पालनपुर राज्य की शुरुआत हुई। और फिर आगे चल के तो इनफैक्ट जालौर का राज तो ख़त्म ही हो गया और फिर पालनपुर का ही जो राज है वो इनके पास बच गया। और फिर क्या हुआ कि जैसे ही मुग़ल साम्राज्य टूटने लगा तो स्लोली स्लोली यू नो गुजरात की जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो अपना अपना स्वतंत्र राज्य और शासन यहाँ से चलाने लगी। तो इस समय क्या हुआ कि जो गुजरात जो था वो बंगाल के बाद जो मुग़ल साम्राज्य का सबसे अमीर एक सूबा था, बिकॉज ऑब्वियसली सब पोर्ट्स इधर थे, ट्रेडिंग जो टाउन्स थे वो इधर थे। तो एक नई ताकत के यहाँ पर हमले शुरू हुए और वो थे मराठों के। अब ये था काल बाजीराव का, ये हम 18वीं शताब्दी की शुरुआत की बात कर रहे हैं। और जैसे उन्होंने मालवा पर कब्ज़ा किया वैसे ही जो मराठों की फ़ौजें हैं वो गुजरात पर अटैक करने लगी। और जो बड़ौदा के जो गायकवाड़ है उनके हमले होने लगे। इनफैक्ट एक तरफ जहाँ पर जो बड़ौदा के गायकवाड़ है उन्होंने पोरबंदर और द्वारका तक अपना राज फैलाया था, उस तरह उत्तर में वो लिटरली जो जोधपुर का बॉर्डर है वहाँ तक वो अपना राज फैलाना चाहते थे। तो इफ़ यू सी एक्चुअली आज का जो गुजरात स्टेट है एक्सेप्ट कच्छ को छोड़कर वो पूरा जो है वो गायकवाड़ों के एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आता था। और ये जो सारी रियासतें हैं वो बड़ौदा के गायकवाड़ों को ट्रिब्यूट दिया करती थी कि हर महीने या हर साल हमें इतना 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 पेमेंट करना है। इस तरह से जो इवन जो पालनपुर के नवाब है वो बड़ौदा के गायकवाड़ों को ट्रिब्यूट देते रहे। और फिर आगे चल के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो अराउंड 1809 और फिर 1817 में जो द प्रिंसली स्टेट ऑफ पालनपुर है इट बिकेम अ प्रोटेक्टेड स्टेट अंडर द ब्रिटिश एम्पायर। और फिर पालनपुर का एक नया इतिहास शुरू हुआ। हमें ये देखने को मिलता है कि पालनपुर रियासत और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत अच्छे संबंध थे। 1857 में जब गुजरात में भी रिवोल्ट हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, तो पालनपुर के नवाबों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया और उत्तर जो गुजरात है वहाँ पर कोई उन्होंने डिस्टर्बेंस होने नहीं दिया। तो ये जो लॉयल्टी है जो पालनपुर के नवाबों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिखाई थी वो तो उसके कारण आगे चल के ब्रिटिश सिस्टम में पालनपुर का एक बहुत महत्व बढ़ा। इनफैक्ट उसका जो स्टेटस था जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में कि कौन सी रियासत महत्वपूर्ण है और नहीं है, इट वाज क्वाइट अनप्रोपोर्शनल टू इट्स एक्चुअल साइज या रेवेन्यू, बिकॉज
ये बात है कि यहाँ की ज़मीन इतनी अच्छी नहीं थी, यहाँ पे कोई बड़ी इंडस्ट्री वैसे नहीं थी, बट स्टिल पालनपुर का एक बहुत महत्व था। फिर आगे चल के जो नवाब बने 1870s में, वो थे नवाब शेर मोहम्मद खान, और उन्होंने फिर पालनपुर का बहुत विकास किया। यहाँ पर इरिगेशन सिस्टम्स बनाए, यहाँ पर स्कूल्स बनाए, कॉलेज बनाए, एक रेलवे लाइन लाने की कोशिश की, और एक एक समृद्धि, और यू नो उन्होंने एक कोशिश की कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगे और एक एक मॉडर्न स्टेट बने। इनफैक्ट जो दिल्ली दरबार हुआ, जिसमें किंग जॉर्ज द फिफ्थ को हिंदुस्तान का कैज़र ए हिंद डिक्लेयर किया गया, द एम्परर ऑफ इंडिया, उसमें पालनपुर के नवाब ने पार्टिसिपेट किया। और फिर आगे चल के 1918 में नवाब सर तले मोहम्मद खान पालनपुर के नवाब बने। नाउ सर नवाब तले मोहम्मद खान की वॉज़ अ लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी, वॉज वेरी कल्चर्ड, इन्फ्लुएंशियल, वेल रेड, वेल ट्रैवल्ड एक आदमी थे, और उनकी पर्सनैलिटी की वजह से पालनपुर ना सिर्फ भारत में बल्कि इवन एशिया के जो बाकी स्टेट्स हैं, यूरोप में भी फेमस हो गया। जो नवाब तले मोहम्मद खान है वो इजिप्ट के जो राजा थे किंग फारूक, उनके बहुत करीबी मित्र थे, उनके शाह ऑफ ईरान के साथ उनकी मित्रता थी, उनका साउथ ऑफ फ्रांस में कान, जहाँ पर कान फिल्म फेस्टिवल होता है, तो वहाँ पर उनका एक बड़ा विला था, और वो अपना गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने के लिए कान जाते थे। वहाँ पर उनके बाकी राजे रजवाड़े जो यूरोप के है और प्रोमिनेंट अमेरिकन्स हैं, उनसे उनकी मुलाकात होती थी। और इनफैक्ट ही वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड द बेस्ट फ्रेंड ऑफ महाराजा हरि सिंह ऑफ कश्मीर। इनफैक्ट यू नो हम कह सकते हैं कि महाराजा हरि सिंह ऑफ कश्मीर और नवाब तले मोहम्मद खान ऑफ पालनपुर वर लाइक, जैसे हम बोलते हैं ना, जय वीरू की दोस्ती, लाइक बिल्कुल जिगरी दोस्त, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। इनफैक्ट उनका एक जो महाराजा हरि सिंह ऑफ कश्मीर है, उन्होंने एक उन्हें महल दिया था रहने के लिए, जिसे तले मंजिल कहा जाता था, जो जो जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर है उसके जो शंकराचार्य हिल है उसके बिल्कुल नीचे ही है। तो इस महल को तले मंजिल कहा जाता था, बिकॉज वो चाहते थे महाराजा हरि सिंह ऑफ कश्मीर की हर साल हमारे दोस्त जो नवाब ऑफ पालनपुर है वो हमारे साथ आए और रहे कश्मीर में, और महाराजा हरि सिंह जो है वो पालनपुर में रहने आते थे। नवाब तले मोहम्मद खान ने जो पालनपुर है वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत महल बनवाया, उसे जोरावर पैलेस कहते थे, अभी वो कोर्ट्स और अभी गवर्नमेंट ऑफिसेज है वहाँ पर, और एक महल उन्होंने आर्ट डेको स्टाइल का बनवाया जिसे बलराम पैलेस कहा जाता है, और एंड इट वाज़ द हंटिंग लॉज ऑफ द नवाब्स ऑफ पालनपुर। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इवन दो ही वॉज़ अ मुस्लिम नवाब, उनके महल का नाम बलराम पैलेस था। एक दफ़ा जब नवाब तले मोहम्मद खान कान गए, तो उनकी मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत ऑस्ट्रेलियन औरत से हुई जिसका नाम था जोआन फैलकनर। और जोआन जो थी वो बहुत सुंदर थी, ऑस्ट्रेलिया के बहुत अमीर परिवार से थी, और उनके पिताजी के घोड़ों का व्यापार था, और एक बहुत समृद्ध परिवार से थी। एंड दे फेल इन लव, और उन्होंने निर्णय लिया कि जो जोआन बेगम है कि वो मुसलमान बनेंगी और नवाब की बेगम बनेगी। अब नवाब की ऑलरेडी बेगम थी, उनका एक बेटा था इकबाल मोहम्मद खान, और अब ये समझना पड़ेगा कि ये 1930s-40s की बात है, जब एक रेशियल थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट थी उस समय, कि जो गोरे हैं और इंडियंस हैं उनमें शादी, ये जो ब्रिटिश राज है वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करता था। तो उस समय काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। इनफैक्ट यू नो अभी ये वो समय है जब वाइट ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसी हुआ करती थी। लोगों को ये पता नहीं है कि इनफैक्ट 1950s तक एक पॉलिसी थी ऑस्ट्रेलिया में कि विच वॉज नोन एज द वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी, कि अगर आप गोरे नहीं हो तो आप ऑस्ट्रेलिया नहीं सेटल हो सकते, आप ऑस्ट्रेलियन नहीं बन सकते, आप ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते।
तो ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत हंगामा हो गया कि एक ऑस्ट्रेलियन खानदानी ऑस्ट्रेलियन लेडी एक ब्राउन स्किन्ड आदमी के साथ शादी कर रही है, एक इंटररेशियल मैरिज कर रही है, तो बहुत हंगामा हुआ। बट ऑब्वियसली हम जैसे हम बोलते हैं कि मनी टॉक्स, पैसा बोलता है, तो नवाब का पैसा और नवाब का इन्फ्लुएंस और द फैक्ट इज कि जो बेगम थी, जो जोएन थी, वो भी अबीर खानदान से थी, तो लोग कुछ कर नहीं पाए। एंड शी वॉज नोन एज द ऑस्ट्रेलियन बेगम ऑफ पालनपुर, जो और उनका एक बहुत अच्छा मैरिज, खुश रहे थे वो। उनका पालनपुर में महल था, बॉम्बे में महल था, और कान में उनका जो विला था वो रहते थे। ओनली थिंग इज़ कि जो ब्रिटिश थे उनका एक पॉलिसी थी कि हम किसी भी नॉन इंडियन औरत को महारानी या बेगम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इवन दो उन्हें अनऑफिशियली बेगम ऑफ पालनपुर कहा जाता था, उन्हें हर हाइनेस का टाइटल नहीं था। तो इसका भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। आगे चल के 1947 में जब भारत आज़ाद होने को था, तब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के जो आखिरी ब्रिटिश वाइसरॉय थे और पहले गवर्नर जनरल थे, अब जो नवाब ऑफ पालनपुर है तले मोहम्मद खान, उन्होंने एक फाइल भेजी विद अ रिक्वेस्ट टू लॉर्ड माउंटबेटन कि हमें हमारी वाइफ को, मतलब जोएन को, आप हर हाइनेस का ऑफिशियल टाइटल दे दीजिए। ये फाइल माउंटबेटन के टेबल पर पड़ी रही। फिर ये 14 अगस्त 1947 की बात है। अब ये थोड़ा ही समय था जब ब्रिटिश राज ख़त्म होने वाला था और लॉर्ड माउंटबेटन की पावर्स एज द ब्रिटिश वाइसरॉय वो लैप्स कर जाती एज सून एज इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। तो वो अपने ऑफिस में बैठे थे और डोमिनिक लापियर ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा है कि वो सोच रहे थे कि व्हाट शुड बी माय लास्ट डिसीजन एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। एंड और फिर उन्होंने कहा ओ आई विल गिव द टाइटल ऑफ हर हाइनेस टू माय फ्रेंड तलेज वाइफ, और फिर उन्होंने उस फाइल पर साइन किया। एंड दैट सिग्नेचर और दैट अप्रूवल वॉज द लास्ट एक्ट ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और हम बोल सकते हैं कि परहैप्स द लास्ट डिसीजन ऑफ द ब्रिटिश पैरामाउंट पावर इन इंडिया बिफोर, जस्ट मिनट्स बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है पालनपुर को लेकर। सर तले मोहम्मद खान ने अपनी जो रियासत है भारत आज़ाद होने के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, बॉम्बे स्टेट में इनफैक्ट पालनपुर को विलीन किया, और फिर आगे चल के जब गुजरात और महाराष्ट्र का बंटवारा हुआ तब पालनपुर बिकेम अ पार्ट ऑफ गुजरात। नवाब तले मोहम्मद खान का 1950s में निधन हो गया और उनके बेटे इकबाल मोहम्मद खान पालनपुर के नवाब बने। आगे चल के इकबाल मोहम्मद खान ने जो भारत की जो सरकार है उसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया। वो भारत के 5 राष्ट्रपतियों के ADC थे और काफ़ी कमिटीज़ पर भी थे। 1971 में जब इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्सेस अबॉलिश की तो फिर उन्होंने उनका टाइटल चला गया। फिर आगे चल के वो बॉम्बे में ही रहे और 2010 में उनका निधन हो गया। आज भी पालनपुर का नवाब परिवार भारत और विदेशों में रहता है, और जो पालनपुर की जो जैन कम्युनिटी थी, फिर आगे चल के जो 1900s से आगे चल के फिर वो बॉम्बे आई, यहाँ पर उन्होंने एक डायमंड ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू किया, और आज भी अगर आप देखें तो जो पालनपुरी जैन्स है वो भारत के और इनफैक्ट विश्व के जो डायमंड ट्रेड है उसको कंट्रोल करते हैं। जो जैन कम्युनिटी है पालनपुर की वो थ्राइव कर रही है, यहाँ पर जैन मंदिर है, यहाँ पर एक अच्छी सेटलमेंट है। आशा ये है कि जो पालनपुर का ये जो नवाबी इतिहास है और प्रिजर्व हो और जो आगे की जनरेशन है उन्हें भी इसके बारे में पता चले। तो ये थी कहानी पालनपुर रियासत की।